हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे शाही पनीर। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? 4 टमाटर, 4 प्याज, 7 से 8 कली लहसुन और थोड़ी सी अदरक। ठीक है, तो आइए हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो हमने टमाटर और प्याज को ग्राइंड कर लिया है, लहसुन अदरक को भी हमने ग्रेट कर लिया है और मैंने कुछ काजू लिए थे, 9 से 10 काजू, उनको सोक कर लिया, भिगो लिया है। मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जीरा, दालचीनी, तेजपत्ता, लौंग, छोटी इलायची और एक बड़ी इलायची। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा शाही पनीर। इसके लिए हमने क्या करना है, कढ़ाई में घी को गर्म करना है। पहले देसी घी लेंगे क्योंकि शाही पनीर है तो इसमें देसी घी ही रहेगा, तो हम इसे थोड़ा गर्म करेंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है तो हम पहले खड़े मसाले डालेंगे, जीरा, दालचीनी, तेजपत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और लौंग। अब हम डालेंगे प्याज जो हमने ग्राइंड कर लिए थे। अब ये देखिए थोड़े से ब्राउनिश होना स्टार्ट हो गए हैं। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। अदरक के बाद हम इसे अच्छे से पकाएंगे। अब ये भुन चुके हैं अच्छे से। अब हम इसमें काजू का पेस्ट डालेंगे जो हमने काजू भिगोए थे और फिर इसे अच्छे से पकाएंगे। तीन से चार मिनट हम इसे अच्छे से पकाएंगे। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिलाएंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे। 3 से 4 मिनट टमाटर पकाने के बाद अब हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे, हल्दी। ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च लिया है कलर के लिए। हल्दी और लाल मिर्च डालने के बाद अब हम इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे जब तक टमाटर अपना घी ना छोड़ने लग जाए। अब हम देखिए धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून। तीन से चार मिनट हो गए हैं हमारे मसाले को पकते हुए। अब हम इसमें फ्रेश मलाई ऐड करेंगे, घर की मलाई, और अच्छे से मिक्सअप करेंगे। फ्रेंड्स, हमने इसमें मलाई इसलिए ऐड किया क्योंकि मलाई से एक बहुत अच्छा टेस्ट बिल्डअप होता है। ओके, अब हम इसे घी छोड़ने तक अच्छे से पकाएंगे और 2 मिनट्स के लिए हम इसे ढक देंगे। इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा और काली मिर्च। देखिए फ्रेंड्स, हमारा मसाला रेडी है। ये घी अलग होना स्टार्ट हो गया है, बस अब हम लास्ट स्टेप करेंगे। अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। दूध और मसालों को अच्छे से मिक्सअप करने के बाद अब हम इसमें पनीर ऐड करेंगे। 250 ग्राम पनीर लिया है हमने। देखिए अब हमारा शाही पनीर तैयार है। अब हम इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे और थोड़ा सा मीठा मींस चीनी ऐड करेंगे, इससे मीठापन आएगा और वो हमारी शाही पनीर को और भी टेस्टी बनाएगा।